और ये है मंगल मायके में। मैंने आज समोसे पे इतनी बड़ी चर्चा कर दी क्योंकि वो वाला समोसा जो मैंने प्रेगनेंसी टाइम एक बार में कोम करके मैं रेडी हो गई थी मंगाई है, जो कि काफ़ी कॉटन के हैं, रखने वाली थी। फिर मैंने बाद में तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं चेंज करके एक्सचेंज। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इंडियन मॉम चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज डेट है 28 जून और डे है आज ट्यूसडे। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ आज लंच में बनाने लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडक्शन पे पैन रख दिया है, वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ मस्टर्ड डाल को। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है, जब तक मेरा उधर तेल जो है गर्म हो रहा है, तब तक मैं इधर अपना सब्ज़ी भी कट करते जा रही हूँ। तो मेरी सब्ज़ी जो है कट हो गई है, तो एकदम सिंपल सा मैं इसमें तड़का दूँगी लहसुन का और मेथी दाने का मैं तड़का दूँगी और हींग डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मैं सब्ज़ी जो है मैंने कट किया है, इसको मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद हल्का सा सब्ज़ी मसाला और नमक डाल देंगे। बस हमारी सब्ज़ी धीमी धीमी इधर पकती रहेगी और उधर मैं फिर बाकी का काम जो किचन का है वो सब मैं करती जाऊँगी साथ ही साथ में। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है, पानी गर्म किया है पीने के लिए। उसके बाद फिर और यहाँ पे मैं सब्ज़ी में हींग डाल रही हूँ और उसके बाद फिर ये मैं निकाल ली हूँ दाल का डिब्बा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब दाल बनाने। तो दाल बनाने के लिए मैंने कुकर में दाल जो है निकाल लिया है। उसके बाद फिर मैं वाश वाश करके जो दाल में जो है नॉर्मल चीज़ें होती है, नमक हल्दी हींग ये सब ऐड करके फिर मैं उधर रख दूँगी दाल बनने के लिए। और फिर मैंने इधर क्या किया कि आटा लगाने के लिए मैंने बर्तन निकाला, फिर मैंने उसमें क्या किया है, मैंने आटा निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पर जो है आटे का डो भी लगा लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। तो इधर मेरी रोटी बन जाएगी और इधर क्या है कि सब्ज़ी जो है ये मेरी लगभग पक चुकी है सब्ज़ी, तो इसको हल्का सा मैं कलछी से मैश कर दे रही हूँ। तो ये सब्ज़ी एकदम सिंपल सी भी बनाओ, बस मैंने खाली इसमें सब्ज़ी मसाला ऊपर से डाला है बस, और कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला है। और मतलब काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और इधर ये कुकर में मैंने रख दिया दाल बनने के लिए और इधर मेरा आटा लग गया है। तो यहाँ पर मैं अब रोटी बनाने के लिए जो लोई है मैं उसको बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। तो इधर मैं लंच में इधर दाल सब्जी रोटी हमारी सब साथ में बनते जा रही है। और उधर मैंने क्या किया कि फ्रिज से मैंने दूध निकाला था तो उसको भी गर्म कर लिया है। और फिर दूध का जो बोतल है उसको मैंने स्टराइज करने के लिए रख दिया था तो वो भी उधर स्टराइज हो गया है। और अभी क्या हुआ है कि मॉर्निंग का जो चाय है मैंने अभी नहीं बनाया है। तो डेली ही क्या होता है कि मेरी इधर मतलब चाय भी बनती रहती है और मैं इधर खाना भी बनाती रहती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कि हस्बैंड को चाय नहीं पीना था तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं इधर खाना बना लूँगी उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, तो फिर मैंने चाय नहीं बनाया था। तो इधर क्या हुआ कि जब मेरा लंच बन गया तो फिर मैंने क्या किया कि चाय रख दिया था बनने के लिए, तो हमारी इधर चाय बन गई है। और जब तक मेरी चाय इधर बन ही रही थी तब तक क्या हुआ कि बेटू भी उठ गया है, तो मैंने उसको दूध दे दिया था निकाल के पीने के लिए। तो उधर वो क्या कर रहा है कि मतलब टीवी में जो है कार्टून देख रहा है और दूध पी रहा है। तो फिर मैं इधर दूसरे वाले रूम में आ गई उधर मैं चाय पीने के लिए। तो मैं जैसे चाय यहाँ पीने के लिए आई ही नहीं कि वैसे क्या हुआ कि बेटू मम्मा मम्मा करते मतलब आ गया इधर। फिर मैंने क्या किया कि ज़रा सा मैंने चाय पीने के बाद फिर मैं उसके पास ही चली गई थी चाय लेके पीने के लिए। और उसके बाद फिर ये सीधे फिर चाय से मैंने अपना ब्लॉग फिर शाम को स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारे ब्लॉग में चाय ही चाय रहेगा। मैंने मॉर्निंग की भी चाय आपको दिखाई, शाम की भी मैं चाय आपको दिखा रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि दो टाइम जो होता है मैं चाय पीती हूँ, तो मेरा आज दोनों टाइम का चाय आप लोग देख लीजिए। और ये है मंगलवार की रात की क्लिप। तो यहाँ पर हस्बैंड लेके आए हुए थे समोसा, तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी समोसा, जो कि ये समोसा था बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था। और ऐसा समोसा जब
मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में मैंने ऐसे समोसा एक बार खाया था, और मतलब वो वाला समोसा तो बहुत ही अलग था। मतलब उस तरीके का समोसा तो मैंने तब से खाया ही नहीं, उसका टेस्ट बहुत ही अलग था। तो मैं अपने पापा के साथ अपने मायके में कहीं गई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे पापा ने खिलाया था, तो वो वाला समोसा मुझे बहुत याद आता है। या तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसा समोसा आज ये खाया है, लेकिन उतना अच्छा तब भी ये नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने आज समोसे पे इतनी बड़ी चर्चा कर दी, क्योंकि वो वाला समोसा जो मैंने प्रेगनेंसी टाइम एक बार खाया था, वो वाला समोसा मुझे आज भी, मतलब आज भी याद आता है। बहुत अलग समोसा मैंने खाया था, वैसा समोसा खाने के लिए मैं बहुत सोचती हूँ कि कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिलता। और हाँ गाइज, अभी जो मैंने आपको ये वाला समोसा दिखाया, ये भी जो है काफ़ी टेस्टी था, बहुत खस्ता था, बहुत अच्छा था ये वाला समोसा भी। और ये समोसा जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं ये रात में डिनर करने के बाद, मतलब खाना मैं खा चुकी थी, उसके बाद मैं ये समोसा खाई थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और उसके बाद फिर ये सीधे नेक्स्ट डे बुधवार के मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं, क्या हुआ है कि मैं किचन में लंच में आधा, मतलब खाना मैं बना चुकी हूँ, अभी मुझे चावल बनाना है, सब्जी बनाना है। तो क्या हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि, मतलब मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा खाना, तो वो बिना खाए ऐसे चले गए थे ऑफिस। तो फिर मैं क्या की, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, मैंने कहा चलो ठीक है इनको नहीं खाना है तो ठीक है, बाकी खाना मैं बाद में बनाऊंगी नहाने के बाद। और बेटू अभी सो ही रहा है, तो मैं नहा के यहाँ पे आ गई थी, तो वही मैं बाल में यहाँ पे कोम कर रही हूँ। क्या होता है कि अक्सर ये ऐसा होता है कि मैं नहा के यहाँ जाती हूँ, फिर किचन में मतलब चले जाते हैं डायरेक्ट, मैं खाना वाना बनाने लगती हूँ, तो बाद में फिर कोम वोम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब हस्बैंड ने मना कर दिया खाने से, तो कहा कि मतलब मैं आज नहीं खाऊँगा, उनका मन नहीं था खाने के लिए मॉर्निंग में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आराम से बनाएंगे, तो फिर लॉक कोम वोम कर ही लेते हैं, क्योंकि बेटू भी सो ही रहा था। तो मैं यहाँ पर बाल में कोम करके मैं रेडी हो गई हूँ, और फिर जैसे ही मैं मतलब रेडी हुई, उसके बाद तुरंत ही बेटू उठ गया था। फिर यहाँ पे देखिए मैं किचन में आई थी दूध मतलब उबालने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इंडियन मॉम चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो क्या हुआ है कि मेरा मतलब लंच में बना रही थी, तो उसमें कुछ बन गए हैं, कुछ अभी नहीं बने हैं, तो मुझे अभी बनाना है चावल और सब्जी बनाना है। और मैंने नहावा लिया, उसके बाद ही मैंने बाल में कोम कर लिया है, और उसके बाद जैसे मैंने बाल में कोम किया, उसके बाद तुरंत ही क्या हुआ, मेरा बेटू उठ गया, तो मैंने दूध गर्म किया था, मैं अब जा रही हूँ उनको दूध पिलाने के लिए। और क्या बेटू, और ये मतलब अब इनको बस मम्मा चाहिए, और कह रहे मम्मा मेरे पास, मतलब रुको चलो मैं। तो ये बेटू जो है उठ गए हैं, बस इनको अब बस मम्मा चाहिए, कह रहे मम्मा चलो मेरा कुछ लगा दो, मुझे कुछ दे दो देखने के लिए मोबाइल में। तो मैं इनको जा रही हूँ कुछ मोबाइल में दे दूंगी देखने के लिए, और ये अपना उधर दूध भी पीते रहेंगे, और फिर मैं बाकी का अपना काम जो मैं निपटा लूंगी। और अब थोड़ा सो के उठे है ना, तब इनको पैम्पर करेंगे थोड़ी देर, तब ये जाके थोड़ा खुश होंगे। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं ब्लॉग में आगे। मैंने कपड़े वॉश करके रखे हैं, अभी मैं कपड़े भी डालूंगी सूखने के लिए। तो चलो ठीक है, और उधर खाना बनाएंगे कि। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कुछ सामान जो है मीशो से ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे वो पार्सल आया हुआ है, तो मैं वही रिसीव करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मतलब ऊपर से मैं नीचे यहाँ गेट के पास आई हूँ, तो भैया जो है वो निकाल रहे हैं, तो ये दे दिए हैं, मैंने रिसीव कर लिया। और बेटू मेरी गोदी में है, क्योंकि क्या होता है जब ये सोते रहते हैं तब कोई पार्सल वगैरह आ जाता है सामान, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब ये रहते हैं तो फिर इनको मुझे गोदी में लेके आना पड़ता है नीचे, क्योंकि ये फिर बिल्कुल मानते नहीं, कहते मम्मा बेटू आपके साथ चलेगा नीचे, अंकल जो सामान लेके आए हैं तो मैं भी चलूँगा, तो इनको क्या करते फिर लेके मुझे आना ही पड़ता है। तो मैं इनको गोदी में लेके यहाँ पे आई थी, सामान जो है मैंने रिसीव कर लिया है, उसके बाद भी मैं ऊपर आ रही हूँ जीने से। तो यहाँ पे मैं सामान लेके आ चुकी हूँ, और क्या हुआ कि ये जो है जब मैंने वो पार्सल जो है रिसीव किया था, तो वो कपड़े थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मीशो से एक सामान और ऑर्डर किया था, तो उसके कुछ ही देर बाद फिर एक दूसरे भैया का कॉल आया, तो मैंने रिसीव किया, तो पता चला कि फिर वो दूसरा जो था पार्सल वो आया, तो मैंने उसको जाके नीचे रिसीव किया, तब भी मेरे साथ बेटू नीचे गोदी में गया था। तो क्या हुआ कि वो वाला जो पार्सल जो मैंने पहले रिसीव किया था कपड़ा, तो वो मैं तो अभी नहीं दिखाई हूँ, तो अभी मैं उसको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला सामान जो भैया लेके आए हुए थे,
तो ये क्या हुआ कि बेटू ही मतलब अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसको जब ये ऐसा कोई सामान आ जाता है न्यू सामान, चाहे वो पार्सल से आया हुआ हो या चाहे उनके पापा लेके आए हुए हों, तो वो क्या करता है बिना खोले मतलब रहता ही नहीं है। तो उसको जैसे लगा कि कुछ न्यू सामान आया है तो वो खुद ही मतलब अपने हाथ में लिए लिए खोलने लगा। फिर हमने कहा चलो खोल दिए हो तो इसको अभी दिखा देते हैं, कपड़े जो है वो बाद में दिखाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चकला बेलन जो था वो मैंने लिया था, मतलब ऑर्डर किया था, तो वही यहाँ पे मेरा आ चुका है। क्योंकि जो मतलब मैं यूज कर रही थी किचन में, वो जो उसका जो चकला था बहुत भारी था, मतलब उसका पत्थर का था, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं बहुत दिनों से मतलब उसको चेंज करने को सोच रही हूँ, यहाँ तक कि मैं मतलब प्रेगनेंसी टाइम में भी मैं उतना भारी मतलब जो था मैं उसको यूज करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि बहुत भारी है वो, बहुत बड़ा है। लेकिन फिर तब से मैं चेंज करते करते सोचते सोचते कि अब चेंज करेंगे प्रेगनेंसी टाइम से, लेकिन अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया था। फिर फाइनली मैंने कहा क्या होता है कि जैसे कि मार्केट वगैरह में मतलब जल्दी नहीं निकल पाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, घर बैठे सामान आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर मतलब नहीं अच्छा होगा तो फिर उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन मंगा के देखते हैं। लेकिन मंगाया तो क्या हुआ कि मतलब मैंने देखा अच्छा था, लेकिन फिर जब मैं बाद में मतलब क्या हुआ कि जब मैं वो कपड़े मतलब अभी दिखाऊंगी आप लोगों को तो आप लोग देखिएगा, जब मैं कपड़े आप दिखाने लगी तो मैंने सोचा चलो ये चकला बेलन जो था मैंने कहा एक बार इसको आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे मैं दिखाने लगी तो मैंने देखा क्या कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक जगह जो था वो डैमेज था, लेकिन वहाँ उस जगह पे उन्होंने स्टिकर लगा रखा था, तो मैंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन वो क्या हुआ कि मेरा बच्चा जो है बेटू वो खुद मतलब ऐसे क्या होता है कोई स्टिकर अगर किसी चीज़ में भी लगा होता तो निकाल लेता है, तो वो जैसे वहाँ पे निकाला तो मुझे दिख गया कि हाँ उस जगह पे थोड़ा सा डैमेज है। तो फिर मैंने सोचा चलो देखेंगे, अगर हस्बैंड से पूछेंगे अगर उन्होंने कहा तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने बेटू को मतलब खाना वाना खिलाने के बाद उसको मैंने सुला दिया है, वो वहाँ पे मतलब बेड पे सो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो ठीक है बेटू सो रहा है तो कपड़े आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ कि मतलब मैंने क्या मंगाया है मीशो से। तो मैंने यही एक कुर्ती मंगाई है जो कि काफ़ी अच्छी है, इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, कॉटन के हैं। तो आप लोग भी देख के बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों की कुर्ती। और क्या हुआ कि बेटू सो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे मतलब रियल वाइज तो मैं रखी थी, सोची थी कि मैं रख दूँगी, लेकिन क्या हुआ कि फिर बेटू सो रहा था तो फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि फिर वो जग जाता आवाज़ होती तो तब अच्छा नहीं लगता कि बच्चे का सो रहे हो तो वहीं पर बोलो, तो इसलिए मैंने क्या किया मैंने बोला ही नहीं, मैं रियल वाइज ही रखने वाली थी। फिर मैंने बाद में थोड़ा सा धीरे धीरे जो कुछ बोला है। तो ये देखिए कुर्ती आगे से मतलब फ्रंट से देखिए यहाँ पे इतनी खुली हुई है, और यहाँ पे ये जो है बटन लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छी कुर्ती है। तो मैं ऐसे देख रही थी मीशो पे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये कुर्ती मैंने ऑर्डर कर दिया। तो यही अभी भैया लेके आए हुए थे नीचे। और उसके बाद भी मैंने क्या किया कि एक चकला बेलन जो था मैंने उसको भी ऑर्डर किया था, तो पहले ये रिसीव हुआ, उसके कुछ ही देर बाद मतलब आधा घंटे उंटे के बाद ही मतलब दूसरे भैया का कॉल आ गया था, तो मैंने फिर वो चकला बेलन वाला जो पार्सल था मैंने उसको रिसीव किया। तो वो तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था क्योंकि बेटू उसको खोल दिया था, लेकिन मैं इसको नहीं खोल पाई थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अगर बेटू सो जाएगा तब मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा लूँगी, तो बेटू वहाँ पर सो गया है। और उसके बाद ये देखिए मैं इतने धीरे धीरे से उठा रही हूँ, यहाँ पे चकला बेलन जो था मैंने दिखाने के बाद ही रख दिया था ऐसे, लेकिन मैंने फिर बाद में यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था एक जगह पे, तो डैमेज था। पर मैंने ये मंगाया है, होंगी यहाँ पे कहाँ पे डैमेज है ये देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये स्टिकर जो है ये यहाँ पे लगा हुआ था ये इस जगह पे, लेकिन जब मैंने ये स्टिकर को यहाँ से निकाला तो देखा ये थोड़ा सा ये डैमेज हमको दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं चेंज करके एक्सचेंज मतलब करके मैं न्यू लूँ। देखते हैं ये क्या लगा हुआ सिंदूर और बेटू जो है वहाँ पे सो रहा है, तब मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखा रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ।
ये इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।